हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने YouTube चैनल को कैसे वेरीफाई करेंगे YouTube स्टूडियो को, क्योंकि न्यू इंटरफेस आने के बाद काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, मेरा एक चैनल है द डिजिटल वॉरियर, मैंने कुछ वीडियोस यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं, बट इसमें जो है मेरे को थंबनेल यूज़ करने में प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, थंबनेल, तो यहाँ पे जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सीधा लिखा गया है कि सबसे पहले आप अपने अकाउंट को वेरीफाई कीजिए यूट्यूब की, उसके बाद ही मैं इसमें ऐड कर पाऊँगा। तो इसको कैसे करना है आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दें। अभी मेरा यहाँ पर 0 सब्सक्राइबर है और इस तरह की आपको यहाँ पर बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको खोलना है क्रोम, और क्रोम को खोलने के बाद आपको उसमें अपने यूट्यूब चैनल को ओपन कर लेना है। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, ये है मेरा YouTube अकाउंट और यहाँ पे जो 3 डॉट दिख रही है उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कर देना है डेस्कटॉप साइड। तो जैसे आप डेस्कटॉप साइड करेंगे ये इस तरीके इंटरफेस में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ये ओपन हो जाता है, देखिए ये ओपन हो रहा है, ओपन हो चुका है। तो इस तरह का आपके सामने एक इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर जूम करके आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मेरा लोगो है, ये जो नोटिफिकेशन बेल है जस्ट इसके साइड में, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और आपके सामने इस तरह का एक नया इंटरफेस और दिखेगा। ठीक है, तो आपको जाना है योर चैनल के ऊपर। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, ये है मेरा यूट्यूब चैनल, यहाँ पे मैंने आप सभी देख सकते हैं एक बहुत ही सुंदर सा बैनर लगा रखा है द डिजिटल वॉरियर। यहाँ पे मैं यूट्यूब ब्लॉगिंग इस तरह की सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ, बट अभी तक मैंने अपने चैनल को जो है वेरीफाई नहीं किया है। तो जब इस तरह की आपके सामने इंटरफेस खुल जाए तो आपको जाना है कस्टम चैनल पर। ठीक है, कस्टमाइज चैनल पे जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको जो है ये YouTube स्टूडियो में लेकर के सीधा चला जाएगा। तो ये देखिए मेरे सामने YouTube स्टूडियो खुल चुका है कस्टमाइजेशन। तो आपको आना बिल्कुल नीचे की साइड, आप ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ देखिए सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप सेटिंग पर क्लिक करेंगे ये इस तरीके से आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वाई डिफ़ॉल्ट जो मैंने यूनिट सेलेक्ट किया हुआ है वो इंडियन रुपीज़, अगर आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे डॉलर दिखेगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम में आपको जाना सिंपली चैनल के ऊपर। तो मैंने ये क्लिक किया चैनल पे और उसके बाद आपको जाना है, ये देखिए यहाँ पे आप जो है अपने कंट्रीज़ को सेलेक्ट कर लें और अपने चैनल कीवर्ड, ये डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको आपकी वेबसाइट को रैंक करवाना है। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ सेलेक्ट इंडिया, ये है इंडिया। उसके बाद आप यहां पे कीवर्ड डाल दें और उसके बाद एडवांस सेटिंग पे थोड़ी बहुत जो सेटिंग है, यहां पे आप किसके के लिए वीडियोस बना रहे हैं, क्या आप अपने सब्सक्राइबर को डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा क्योंकि अभी नई चैनल है तो उसको मत करें। उसके बाद जैसे आप आएंगे फीचर एलिजिबिलिटी पे तो आपको देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ फीचर दैट रिक्वायर्ड फोन वेरीफिकेशन, तो आपको करना है यहाँ पर क्लिक। और उसके बाद आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर दे दिया है सारा कुछ आपको सिस्टम जो भी है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, वेरीफाई फ़ोन नंबर, सबसे पहले आपको जो है फ़ोन नंबर को वेरीफाई करना है। तो एक बार और आपको क्रोम पूछेगा कि आप इसको किस में ओपन करना चाहते हैं, तो मैंने इसको क्रोम में दोबारा ओपन कर लिया है। कंट्री मेरा इंडिया सिलेक्टेड है, मैं यहाँ पे टैक्स वेरीफिकेशन चाहूँगा और यहाँ पे मैं अपने फ़ोन नंबर को डाल रहा हूँ। ठीक है, जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर है आप उसे यहाँ पर प्लेस कर दें। तो मैंने यहाँ पे अपने फ़ोन नंबर को डाल दिया है और उसके बाद मैं इसको सेंड कर चुका हूँ। अब आपके पास 6 डिजिट का जो है OTP आ जाएगा आपके फ़ोन पे और उसको आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लेस कर देना है। तो जो भी आपका OTP है, तो मैंने यहाँ पे जो है अपने OTP को डाल दिया और उसके बाद मैंने कर दिया सबमिट। तो जैसे ही मैंने सबमिट किया यहाँ पर लिख दिया कॉन्ग्रेचुलेसन, यूट्यूब अकाउंट इज़ नाउ वेरीफाई। तो वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ है उसे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जितनी हमने सेटिंग किया उसको यहाँ से सेव कर देंगे पहले। तो जैसे आप सेव कर देंगे उसके बाद आपको जाना है अपने स्टूडियो में, YT स्टूडियो में। और जैसे आप YT स्टूडियो में, खुल चुका मेरा YT स्टूडियो, अब मैं जा रहा हूँ अपने इस वीडियो के ऊपर और उसके बाद एक पेंसिल के निशान पर मैंने किया क्लिक और अब जाऊँगा यहाँ पर थंबनेल में, कस्टम थंबनेल में। तो ये देखिए ये मेरे सामने खुल चुका है और जो भी मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँ वो सारे मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ बड़े इजीली, और उसके बाद ये इजीली सिलेक्ट हो जाएगा। तो गाइज़ कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर भी अगर आपके माइंड में किसी तरह का कोई डाउट है तो पूछेंगे, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो।